जर्मनी का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, और जर्मनी की अपॉइंटमेंट्स इस टाइम पर किन लोगों को मिल रही हैं और किन की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर टाइम ब्लॉग्स। वीजा कल्चर टाइम ब्लॉग साथ मैं हूँ आपका दोस्त निशांत सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे जर्मनी वीजा के बारे में कि जर्मनी का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी की अपॉइंटमेंट्स इस टाइम पर किन लोगों को अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाती है और किन लोगों की अपॉइंटमेंट जो है वो ऑटो कैंसिल हो जाती है, और कराची की जो अपॉइंटमेंट है वो आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। आज के इस व्लॉग में सब चीज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सर्विस आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जर्मनी का वीजा आप अप्लाई कहां पर करते हैं, उसका कोई ऑथराइज ड्रॉप बॉक्स है या आप एम्बेसी में जाकर डायरेक्ट सबमिट करवाते हैं या कॉन्सुलेट में। जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी और कॉन्सुलेट जाना पड़ता है। प्रॉपर आपकी अपॉइंटमेंट होती है अगर आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कश्मीर से बिलोंग कर रहे हैं, हरिपुर से, तो प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इस्लामाबाद एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। अगर आपका ताल्लुक कराची, सिंध, हैदराबाद वाली साइड से है तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो आपको कराची कॉन्सुलेट की अपॉइंटमेंट करवानी पड़ती है। कराची कॉन्सुलेट की जो अपॉइंटमेंट है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ओपन होती है, हर दिन अपॉइंटमेंट ओपन होती है, तो आप कराची कॉन्सुलेट की जो अपॉइंटमेंट है वो आप बुक कर सकते हैं। सम टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए स्लॉट्स ओपन होती हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट बुक करना चाह रहे हैं तो इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर आपको एक फॉर्म होता है, शॉर्ट सा एक फॉर्म है जो आपको फिल आउट करना पड़ता है। उस फॉर्म में आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाती हैं, आपका सरनेम, गिवन नेम, पासपोर्ट नंबर, तो एक शॉर्ट सा एक वेब फॉर्म आप कंप्लीट करते हैं। वेब फॉर्म कंप्लीट होने के बाद प्रॉपर आप इसको सबमिट करते हैं तो देन आपको एक रेफरेंस नंबर आ जाता है जिसको वेटिंग लिस्ट रेफरेंस नंबर कहा जाता है। तो आपको प्रॉपर से फिर वेट करना पड़ता है, जब आपकी बारी आती है तो आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाती है, फिर आप उसको ओके करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड हो जाती है। तो प्रॉपर आपको वेब फॉर्म फिल करना पड़ता है, लेकिन इस टाइम पर अगर आप वेब फॉर्म भी फिल करते हैं और वेब फॉर्म फिल करने के बाद उसको सबमिट करते हैं, आपको रेफरेंस नंबर तो आ जाता है लेकिन उसमें यह है कि उसके बाद आपको जो है कैंसिलेशन की ईमेल भी आ जाती है कि अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट की है वेटिंग लिस्ट रेफरेंस नंबर है वो आपका कैंसिल हो जाता है। तो किन लोगों को अपॉइंटमेंट आसानी से मिल सकती हैं? उन लोगों को अपॉइंटमेंट आसानी से मिल सकती हैं जिन लोगों के लास्ट 5 ईयर्स में कोई फिंगरप्रिंट्स हुए हों शेंजन कंट्रीज में, किसी भी कंट्रीज में उनके लास्ट 59 मंथ्स में उनके बायोमेट्रिक हुए, फिंगरप्रिंट्स हुए हों, तो उनको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस होते हैं और उनको इजिली अपॉइंटमेंट्स मिल भी जाती हैं, उनको कैंसिलेशन की ईमेल नहीं आती तो उनका प्रॉपर रेफरेंस नंबर भी आ जाता है। तो इसमें यह है कि जब आप वेब फॉर्म कंप्लीट कर रहे होते हैं, वेब फॉर्म में आपके सामने एक ऑप्शन आता है कि लास्ट 59 मंथ्स में अगर आपके फिंगरप्रिंट्स हुए शेंजन कंट्रीज में, तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका वेब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। देन आपको रेफरेंस नंबर आता है, रेफरेंस नंबर आने के बाद आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाती है। इस टाइम पर फ्रेश पासपोर्ट पर जो है जिनके फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, जिनके फिंगरप्रिंट्स हो चुके हैं उनको अपॉइंटमेंट इस टाइम पर मिल रही है। जर्मनी की ओवरऑल वीजा रेशो अच्छी आ रही है अगर आप इस्लामाबाद से करते हैं, कराची भी ओवरऑल वीजा रेशो अच्छी है। जर्मनी की विजिट वीजा, बिजनेस विजिट वीजा और फैमिली विजिट वीजा की इस टाइम पर वीजा रेशो ओवरऑल अच्छी आ रही है, तो आप जर्मनी का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं शेंजन कंट्रीज वाले, जस्ट इसमें 2 से 3 फॉर्म एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको एम्बेसी के पोर्टल से डाउनलोड करके उनको आप फिल आउट करते हैं, फिल आउट करने के बाद फिर सिग्नेचर करके आप वो साथ में अटैच करते हैं। अदरवाइज सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपके पिक्चर्स, आपकी एफआरसी, अगर आप मैरिड तो आपका एमआरसी यानी का नाम आपको चाहिए होता है, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस लेटर सिस्टम के साथ विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, और अगर आप जॉब पर्सन आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जॉब के डॉक्यूमेंट्स में आपकी जॉब की प्रॉपर लेटर आता है, एनओसी लेटर आता है, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आती हैं।
और देन उसके बाद जाता है आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट और क्लोजिंग बैलेंस राउंड अबाउट 12 से 15 लाख क्लोजिंग बैलेंस हो, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो, अगर आप जॉब पर्सन है सैलरी प्रॉपर आपके अकाउंट में आ रही हो, और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉपर आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री बन रही हो, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। कोशिश करें जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उससे 1 से 2 दिन पहले अपनी स्टेटमेंट निकलवाएं ताकि फ्रेश स्टेटमेंट को कंसिडर की जाती है। देन उसके बाद आप कहते हैं ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स, आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, आपके टिकट आइटनरी, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, तो ये सारे आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। देन उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसमें हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन आता है, सिक्योरिटी फॉर्म आता है, तो ये 3 आप फॉर्म के आपके एक्स्ट्रा होते हैं जो आपको फिल करके सिग्नेचर करके आप फाइल में साथ अटैच करते हैं। तो ये सारी प्रोफाइल कंप्लीट करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप एम्बेसी में जाके या कॉन्सुलेट में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होता है समटाइम आपसे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, लेकिन आपके सोर्स ऑफ इनकम के मुताबिक क्वेश्चंस किए जाते हैं, आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके मुताबिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए जाते हैं। उसमें से समटाइम आपको डॉक्यूमेंट कुछ रिटर्न भी कर दिए जाते हैं, आपके 1 साल के टैक्स रिटर्न वापस कर दिए जाते हैं, अगर आपने कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए हैं वो रिटर्न कर दिए जाते हैं, तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती। एम्बेसी भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एम्बेसी वो डॉक्यूमेंट्स रख लेती है, तो देन उसकी बेस पर आपका डिसीजन हो जाता है। आपको वीजा फीस पेड करनी पड़ती है, 80 यूरो फीस है जो आप पेड करते हैं। शटल सर्विस के कुछ चार्जेस होते हैं जो भी आपको पेड करने पड़ते हैं, तो इसमें एक चीज का ये ख्याल करना है जब शटल सर्विस आते हैं पासपोर्ट का फर्स्ट पेज और आईडी कार्ड की एक कॉपी आप एक्स्ट्रा करवा के लेकर जाएं, क्योंकि वहां पर जब आपको टोकन अलॉट किया जाता है, आपको स्लिप अलॉट की जाती है, तो वहां से आपकी कॉपी ली जाती है। तो वहां पर रश से बचने के लिए वहां पर थोड़ा सा बेहतर है कि आप पहले से अपनी पासपोर्ट और आईडी कार्ड की कॉपी साथ में लेकर जाएं। इस टाइम पर ओवरऑल जो वीजा डिसीजंस हैं 15 से 20 दिन के अंदर वीजा डिसीजंस हो रहे हैं। अगर ओवरऑल आप कंसीडर करें उसको वर्किंग डेज में, तो राउंड अबाउट 10 टू 15 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजंस हो रहे हैं, और वीजा रेशियो इस टाइम पर ओवरऑल अच्छी आ रही है, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हैं। अगर आपकी कोई 2 से 3 कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पहले शेंजन वीजा रिफ्यूजल्स है तो तब भी आपके पास बेस्ट चांस है कि इस टाइम पर जर्मनी का वीजा अप्लाई करें। वीजा अप्लाई करते हैं अपनी स्टेटमेंट को प्रॉपर मेंटेन करें, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट और अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है तो अपनी प्रॉपर जो स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर कम रखें, प्रॉपर ट्रैवल आइटनरी साथ में लगाएं, और जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे के बाद आपको जो प्रॉपर ये है कि एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम कितना देना चाहिए, कम से कम जो है एम्बेसी को प्रोसेसिंग टाइम 1.5 से 2 महीने बाद फिर ट्रैवलिंग डेट डालें, आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जर्मनी का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डीचा का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।